जब मैं परिवार पार्टी टूट के बाद भी जब मैं अपने घर गया, जिस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए थे, डेढ़ घंटे तक टाइफॉइड में था, हाथ में कैंडूला बना हुआ, कि क्या अब चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता हो सकता है? तो उनका बार बार ये कहना कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता क्यों कहते। मेरी मझली माँ चाची वो सामने होती है, उनके पाँव छूता हूँ, वो कदम पीछे कर लेती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे नहीं पता ये सारी बातें सारी घटना क्यों घटी। अब इन सब चीज़ों से भाई मैं बहुत आगे निकल, मेरी लड़ाई अब अलग है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इन तमाम चीजों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का जो रिश्ता है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पारस अब चाह रहे हैं कि चिराग से उनके रिश्ते सुधर जाए, चिराग को अपना भतीजा मानने को तैयार है और चुनाव में उनका प्रचार करने के लिए भी तैयार है, लेकिन शायद चिराग उस जख्म को अभी तक नहीं भूल पाए हैं जो उनके परिवार ने उनको दिया, जो उनके चाचा ने उनको दिया, जो पशुपति कुमार पारस की पत्नी ने उनको दिया है। देखिए, कल हाजीपुर दौरे पर चिराग पासवान गए हुए थे और वहां पर जिस तरीके का बयान चिराग ने दिया है, जब पशुपति कुमार पारस ने सार्वजनिक मंच से इस बात को स्वीकार किया कि वो चिराग के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे, बावजूद इसके चिराग उन दिनों को याद दिलाने लगे जब वो टाइफाइड से गुजर रहे थे, जब उन्हें इंजेक्शंस पड़ रहे थे, बावजूद इसके जब उनकी पार्टी और परिवार टूटा और वो मिलने पशुपति कुमार पारस के आवास गए थे तो किस तरीके से उनकी चाची ने उन्हें धुतकार दिया था। चाचा पारस उनसे मिलने को तैयार नहीं थे, हर मंच से जब मीडिया ये सवाल करती थी पशुपति कुमार पारस से तो वो चिराग के लिए नो और नेवर शब्द का प्रयोग करते थे। इन तमाम बातों को चिराग जो है वो याद दिला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब समय निकल चुका है, हम काफी आगे निकल चुके हैं, बिहार में हमारी प्राथमिकता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। आपको चिराग पासवान के उस बयान से हम पहले रूबरू कराते हैं, सुनिए चिराग पासवान। मेरे सर से क्यों हटा लिया मुझे नहीं पता था, क्यों मुझे घर से परिवार से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया मुझे नहीं पता था, क्या कारण था जब आप लोग बार बार उनसे पूछते थे कि क्या आप चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता हो सकता है, तो उनका बार बार ये कहना कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता क्यों कहते। जब आप लोग परिवार को एक होने की बात करते थे तो बार बार उनका नेवर 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 कहना मुझे नहीं पता। जब मैं परिवार पार्टी टूट के बाद भी जब मैं अपने घर गया, जिस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए थे, डेढ़ घंटे तक टाइफॉइड में था, हाथ में कैंडूला बना हुआ, डेढ़ घंटे के बाद जब दरवाज़ा खुलता है और सामने मेरी मझली माँ चाची वो सामने होती है, उनके पाँव छूता हूँ, वो कदम पीछे कर लेती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे नहीं पता ये सारी बातें सारी घटना क्यों घटी। अगर मैं उनका अगर अपना सगा बेटा होता क्या तब भी वो मुझे इसी तरीके से निकाल कर बाहर फेंकते। बहरहाल, अब इन सब चीजों से भाई मैं बहुत आगे निकल, मेरी लड़ाई अब अलग है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इन तमाम चीजों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी को 40 की 40 सीटें जिताकर देनी है और देश में ये आंकड़ा 400 का प्रयास। चिराग पासवान उस जख्म को नहीं भूले, जब अकेले थे, पिता का साया साया सर से उठ चुका था, अकेले संघर्ष कर रहे थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, बीमार थे, राजनीतिक तौर पर टूट चुके थे, पारिवारिक तौर पर बिखर चुके थे, बावजूद इसके उनके परिवार ने ही, उनके सगे चाचा ने, वो चाचा जिनको उनके पिता रामविलास पासवान ने बनाया, सींचा, मंत्री बनाया, MLC बनाया, हाजीपुर सीट दिया, सांसद बनाया, बावजूद इसके पशुपति कुमार पारस ने उनके सगे भाई के बेटे के साथ जो सुलूक किया वो शायद चिराग नहीं भूल पा रहे हैं। और चिराग कह रहे हैं कि वो आगे निकल चुके हैं राजनीति में, अब उनका लक्ष्य बिहार है, बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं और उनके जो 5 लोकसभा सीटें जो उनको मिला है उस पर अकेले वो काफी हैं। और फिर PM नरेंद्र मोदी का चेहरा उन्हें इस बात की गारंटी देती है कि बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट NDA गठबंधन जीत रही है। तो चाचा भतीजे में सब कुछ चाचा ठीक करना चाह रहे हैं, आज उनका समय कमजोर हो चुका है, बीजेपी उन्हें गठबंधन से बाहर कर चुकी है, लेकिन चिराग भी अपनी मांगों पर अपनी बातों पर आज भी अड़े हुए हैं जिस तरीके से वो पिछले 3 सालों से चल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।